हम इंडियन आइडल में गाना गाना चाह रहे थे और यहाँ पंचर बना रहे हैं। अबे पैसा बताओ कितना हुआ। अगर गुड्डू भैया के सारे डायलॉग सेंसर कर दिए तो क्या आप अभी भी उस शो को देखोगे? ये सवाल आपको अपने आप से बहुत जल्दी पूछना पड़ेगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर आने वाला है सारा OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट। व्हाट दैट मींस एंड हाउ इट्स गोइंग टू इंपैक्ट यू, ये सारी बातें हम कर रहे हैं इस वीडियो में, कीप वॉचिंग। अच्छा तो देखो क्या होता है, जो टेलीविजन पे आप चीजें देखते हो, जो रेडियो पे चीजें आती हैं, जो मूवीज रिलीज होती हैं, वो सारे एक सेंसरशिप के प्रोसेस से निकल के आती है। बट OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं, OTT का मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, आपका Amazon प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, ये सारे के सारे जो हैं, इनमें ऐसे हार्डकोर रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक नहीं थे। पिछले 5 साल में ये OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा चढ़ गए हैं, और जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से तो हर कोई OTT प्लेटफॉर्म्स पे ही अपना कॉन्टेंट सारा देख रहा है। अब ऐसा हो गया है कि जो मूवीज हैं The ones which go through a certain censorship process, वो भी अब OTT platforms पे release हो रही थी, because cinema halls अभी काफी समय तक खुले नहीं थे और अभी भी पूरी तरीके से खुले नहीं है। अब इससे क्या हुआ है कि जितना OTT platforms पे content आ रहा है, जो आपकी फेवरेट वेब सीरीज हैं, जो आपने शायद Netflix पे देखी हो या Amazon Prime पे देखी हो, जिसमें किसी स्पेसिफिक स्टेट को लेके पोलिटिकल सिनारियो दिखाया हो, या जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस हो, गाली गलौज हो, बहुत न्यूडिटी हो, ये सारी चीजें एक शो को बनाती हैं आज के दिन में एटलीस्ट। अब इन चीजों पे एक गवर्नमेंट रेगुलेशन आ जाएगी, ये हुआ है अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं ये अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, बट हाउ इट कैन इफेक्ट वो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें। देखो जैसे अब शुरुआत में मैंने आपको बताया कि गुड्डू भैया के जो डायलॉग्स थे, अगर उनको आप सेंसर कर दोगे, क्या आप वो देखना चाहोगे? ये आप अपने आप से फिर से पूछो। अगर आपके फेवरेट शो में से आप उसमें से न्यूडिटी निकाल दो, वायलेंस निकाल दो, गालियां निकाल दो और पॉलिटिकल कनेक्शंस निकाल दो, तो क्या आपके लिए वो जो शो है उतना इंटरेस्टिंग रहेगा या नहीं रहेगा? दीज आर थिंग्स आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज आने वाले टाइम में रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाले हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब इसमें और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, जो सब्सक्रिप्शन रेट्स हैं, जैसे Amazon Prime का जो सब्सक्रिप्शन है, या डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, Netflix का सब्सक्रिप्शन है, सोनी लिव है, Z5 है, देयर आर सो मेनी ऑफ दीज, इनके जो सब्सक्रिप्शन रेट्स हैं इनमें भी फर्क आ सकता है आफ्टर दीज गाइडलाइंस। वी आर स्पेक्यूलेटिंग राइट नाउ। इसके साथ साथ जो कॉन्टेंट है इसमें, उसमें बदलाव आ सकता है, बिकॉज बहुत सारा कॉन्टेंट ऐसा है अगर उसको वायलेंस के बिना दिखाओगे तो शायद वो दिखाने लायक ही ना रहे। यू नो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बिकम इम्पॉर्टेंट नाउ, बिकॉज सेंसरशिप में क्या होता है, बहुत सारी चीजें, डायलॉग्स, कई सारी चीजें जो सेंसर बोर्ड को ना पसंद आए या उनको लगे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा या गलत मैसेज आगे भेजेगा, वो चीजें हटा दी जाती हैं फाइनल रिलीज से पहले। अब ये जो प्रोसेस था मूवीज के लिए तो फॉलो होता ही था, और उसी के वजह से कई मूवीज में आप देखते थे 18+ का रेटिंग दिया हुआ है, या PG रेटिंग दिया हुआ है, पेरेंटल गाइडेंस का। अब वो जो रेटिंग्स हैं वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे और सिग्निफिकेंटली अप्लाई करेंगी, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म का, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप अपने फेवरेट शो का सेंसर्ड वर्जन ना देखना चाहो, बट मैं भी ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, और वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी घर में चले जिससे जो बच्चा है उसको ये चीज़ें देखने को मिले या सुनने को मिले, या जिनके घरों में बच्चे एक उम्र तक पहुंच गए, जिनके हाथों में फ़ोन आ गए, वो नहीं चाहते कि 12-13 साल या 14 साल का बच्चा जो है वो ऐसा कंटेंट देखे ऑनलाइन। वायलेंस बहुत ज़्यादा है इन शोज में भी, उससे क्या है बहुत से लोगों पे अलग अलग टाइप का इफेक्ट हो सकता है। पबजी बैन के पीछे भी बहुत लोगों ने कहा था कि इट इज़ प्रमोटिंग अ लॉट ऑफ वायलेंस। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद अगर आप एंटरटेनमेंट के बेसिस से देखो तो द शोज मे नॉट बी दैट एंटरटेनिंग इफ दे आर सेंसर्ड, बट अगर आप एक माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर एक थॉट प्रोसेस देखो, तो शायद बेटर रहेगा कि इतना वायलेंस ना प्रमोट हो, या न्यूडिटी ना प्रमोट हो, या इतनी गालियां जो है वो ना प्रमोट हो। सो फॉर ईच पर्सन इट्स गोइंग टू डिपेंड, बहुत से लोगों को पसंद आएगा, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको ये जो रूल है, जो रूल्स आने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से अबाउट पुटिंग OTT प्लेटफॉर्म्स अंडर अ सर्टन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको क्या ये जो फैसला है वो पसंद आया या नहीं आया, और क्यों पसंद आया, क्यों नहीं पसंद आया, ये दोनों चीजें आप मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल के लिए मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे, दैट मींस उनका सारा कंटेंट जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे अभी तक बड़े आराम से जा रहा था वो अब एक स्क्रूटनी में आएगा रिलीज होने से पहले। आप इस बात से खुश हैं कि नहीं मुझे बताओ।